मामा के राज में भांजियों की इज्जत किसने की तार तार, कौन है वो अधिकारी जो बना है हवस का पुजारी, महिला शिक्षिका से किसने किया जिस्म का सौदा, क्या यही है बीजेपी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से सबको हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, शिवराज सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं, क्या गृहिणी क्या छात्रा क्या महिला कर्मचारी, हर बहन बेटी का मध्य प्रदेश में हुआ जीना दुश्वार। ये वीडियो देखो, इस वीडियो में दिखने वाली महिला ने एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी जब यह हकीकत जान लोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। शिवराज सरकार महिलाओं की मान मर्यादा और इज्जत के लिए कितनी तत्पर और हितैषी है, एक बार ये वीडियो देख लो, सारा सच आपके सामने आ जाएगा। इस महिला का बयान सुनिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला संयोजक तत्कालीन अभी एचएमएल किशोर, उनके द्वारा मुझे कार्यालय में बुलाया गया और मुझसे बोला गया कि आपको मंडल संयोजक बना देता हूँ। मैंने बोला अभी जहाँ पर हूँ वहीं पर ठीक हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारा हॉस्टल में बच्चे कितने हैं। मेरे द्वारा उनको बताया गया कि 50 बच्चे हैं। कौन से क्लास तक पूछा गया, तो 9 से लेकर 12th तक है। सुना आपने, मनपसंद मनचाही जगह ट्रांसफर करवाने के नाम पर महिला शिक्षिका से शिवपुरी जिले की पिछौर तहसील के एसडीएम साहब हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की डिमांड कर रहे हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप मुझे बच्चों को छात्राओं को रात को भेज दिया करो मेरे पास, तो मेरे द्वारा उनको मना किया गया। एसडीएम साहब ने महिला शिक्षिका से छात्राओं की केवल डिमांड ही नहीं की, बल्कि शिक्षिका द्वारा ऐसा न करने पर शिक्षिका को सुझाव भी पेश कर देते हैं कि अगर लड़कियों को नहीं पहुंचा सकती हो तो आप खुद रात को मेरे बंगले पर आ जाया करो। तो बोलते हैं कि मैं आपका ट्रांसफर कर दूंगा, आपका चार्ज हटा लूंगा। मेरे द्वारा उनसे बोला गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो मैं बोला अगर बच्चे नहीं ला सकते हो आप तो खुद ही आ जाए करो। कहाँ पे आ जाए करो? मेरे बंगले पर। कब? रात के टाइम भेज दिया करो या आप आ जाए करो और सुबह आप चले जाए करो। आपको कौन लेने आया था यहाँ? ये ऑफिस का एक बाबू लेने आया था। उसके बाद फिर क्या आपने कोई आवेदन दिया कहीं? इसके बाद मेरे द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया है जो कि यहाँ के शिवपुरी कलेक्टर को, एसपी को और अपने कार्यालय में और वरिष्ठ कार्यालयों को भी दिया जा सकता है। महिला की पहचान बताना हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आरोपी अधिकारी शिवपुरी के पिछौर में एसडीएम के पद पर पदस्थ है, ये खुद महिला ने वीडियो में बताया है। धन्य है शिवराज सरकार और धन्य है आपका सिस्टम। अधिकारी कर्मचारी सहित नेता मंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार से होते हुए बीजेपी सरकार का ये विकास इतनी रफ्तार से देश और प्रदेश की महिला व बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ तक पहुंच जाएगा, ये किसी को नहीं पता था। लगता है ये सब होना अब आम बात हो गई है। देश और प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आना कोई नई बात नहीं रही। शिवराज सिंह चौहान, जो खुद को महिलाओं का भाई और मामा कहते नहीं थकते, जनित आवाज उनसे पूछना चाहता है, क्या यही है महिलाओं का सम्मान जो आपके कर्मचारी और अधिकारी बहन बेटियों की इज्जत का सौदा सरेआम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपके अधिकारी और कर्मचारियों को आपका बिल्कुल भी भय नहीं है? लगभग पिछले 20 वर्षों से तो आप ही प्रदेश की गद्दी को संभाले हुए हैं, फिर ऐसा सब कुछ क्यों? क्या यही है रक्षाबंधन के पर्व पर मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को आपके द्वारा दिया जाने वाला उपहार? एक बार जवाब जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।